एक दो दिन से नहीं है, कम से कम आप लोगों का 2-3 हफ्तों से आपका फोटो दोनों का जीरो पड़ा है, एंड दैट इज विजिबल इवन इन द क्लास। अगर ऐसी ही जिंदगी आपको जीनी थी आने के बाद में, तो आना ही नहीं था यहाँ पे, तुम्हारा कौन सा रैंक है चौथा है ना, तुम्हारा कौन सा तो फर्स्ट सेकंड आ रहे थे, अभी फोर्थ सिक्स आ रहे हो, तो मतलब थोड़ी ना है कुछ, टाइम पास है क्या, और घंटा जाएगा अभी तो, जिस तरीके से आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं फिलहाल जो सीरियसनेस के साथ में, और घंटा जाएगा। तो चेहरे पे शिकन होता है ना, शिकन तैयारी को लेकर, तो शिकन आप दोनों भी फेस से गए हैं आजकल, और ये आपकी रैंक, ये भी रैंक कब आ रही है जब आपको प्रीवियस नॉलेज है, इसलिए आ रही है। अभी करंट में तो आप लोग कुछ खास मेहनत नहीं कर रहे, प्योर टाइम पास। अगले टेस्ट में, और अगले टेस्ट में नहीं, आगे चाहे कोई सा भी टेस्ट हो रहा उसमें टॉप रैंक ही आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है ना, तो भाई फिर यहाँ बैठने का, यहाँ आके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हार्डली मेक्स सेंस। प्रॉमिस करके जा रहे हो आप भी, प्रॉमिस करके जिस शिद्दत से तैयारी करनी है ना, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग टाइम पास नहीं चाहिए।